अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम तंसीर शरफ है और मैं बेस्ट शैकली से हूँ। तो आज हम जा रहे हैं घूमने माधोन नदी कंपी लिए। तो मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त मौजूद हैं, गुजरात और मेहमान। हाँ जी, तो हम इस वक्त पहुँच गए हैं माधोन नदी कंपीलियो, जो कि 100-135 किलोमीटर है ब्रेशिया से। तो यहाँ पे अगर असल में सीन ये है कि यहाँ पे चश्मे वगैरह हैं और काफ़ी बर्फ़ वगैरह है, तो हमें जो पहला चश्मा मिला है वो एक्चुअली ये है। ठंड वगैरह काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, और मैंने तो एक बस जैकेट पहनी हुई है, नीचे एक स्वेटर है। और यहाँ पर एक्चुअली 7 चश्मे हैं, तो देखते हैं कि हम कितने देख सकेंगे इस मुख्तसर से टाइम में, क्योंकि सर्दियाँ हैं, काफ़ी ठंड है और ऊपर से जो है दिन भी छोटे हैं और अंधेरा होना शुरू हो गया। इस वक्त 4 बज चुके हैं और अंधेरा होना शुरू हो गया। सीन्स बहुत खूबसूरत हैं यहाँ पर, और अली भाई ने मोटी जैकेट पहनी हुई है और मेरी सिर्फ ये लेदर की पतली सी जैकेट है। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। और शूज़ भी मैं सही नहीं पहन कर आया, लॉन्ग शूज़ नहीं पहन कर आया, जिसकी वजह से मेरे पाँव स्लिप हो रहे हैं। और देखते हैं आगे कितना हो रहता है। 500 मीटर रह गया और 500 मीटर का बोर्ड लगा हुआ है पीछे, और माधोन नदी कंपीलियो, बहुत खूबसूरत सीन्स हैं यहाँ पे, सारे पैसे सीन्स के हैं। हाँ जी, तो पहला चश्मा एक्चुअली में रियल चश्मा यही है। ऊपर से पानी आ रहा है क्योंकि बर्फ़ की वजह से ये सूख चुका है, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा सूख चुका है ये एक्चुअली। ये तीनों दोस्त जो हैं मेरे, ये इस वक्त कह रहे हैं कि वापस चले क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और सब कुछ फ्रीज हो चुका है। माधोन नदी कंपीलियो में इस वक्त हम, और बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। तो मेरे पीछे ये व्यू है, ये इस वक्त लाइट की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। तो आप जब भी आएँ इसको ज़रूर विज़िट करें, इस सीन को जो है ना ज़रूर विज़िट करें। हम माधोन नदी कंपीलियो में हैं इस वक्त हम, और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और बर्फ़ पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और आगे का रास्ता भी बर्फ़ की वजह से क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे मेरे दोस्त भी अब कह रहे हैं कि चलो वापस चलें क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक है और चश्मों 7 चश्मों में से सिर्फ हम एक देख सके हैं। और इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कम इन समर्स। और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, मैंने तो बहुत पतली सी एक जैकेट पहनी हुई है लेदर सी और नीचे एक स्वेटर है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और मेरे दोस्त वापस आ चुके हैं क्योंकि रास्ता ब्लॉक है, और ये देखें यहाँ पे रास्ता इस वक्त ब्लॉक है, आगे भी नहीं जा सकते और ना राइट साइड पे जा सकते हैं, ना आगे लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं। और मैं यहाँ पे रुका हुआ क्योंकि मेरे दोस्त जा चुके हैं और मैंने सोचा कुछ सीन्स कैप्चर कर लें यहाँ पर रुक के। हाँ जी, तो वापस जा रहे हैं हम माधोन नदी कंपीलियो से, जैसा कि मैंने बताया कि रास्ता ब्लॉक है, और हम इंशाल्लाह दोबारा गर्मियों में आएंगे यहाँ पर 7 के 7 चश्मे देखने, और अभी सिर्फ एक देख सके हैं रास्ता ब्लॉक होने की वजह से। और दोस्त भी मेरे आगे जा रहे हैं मुझसे, ठंड बहुत ज़्यादा है, पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हम, शूज़ लॉन्ग शूज़ पहन के आना चाहिए, वॉकिंग स्टिक्स आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर, और प्रॉपर टूरिस्ट वाला सीन होना चाहिए, तब यहाँ पर आप सर्वाइव कर सकते हैं 3-4 घंटे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, ना गाड़ियाँ आगे जाने दे रहे हैं और ना ही पैदल, और ब्लॉक
हो चुका है रास्ता।